बता दें कि बीजेपी महामंत्री सुनील बंसल का लखनऊ का दौरा है। लोकसभा चुनाव को लेकर 3 सीटों पर चर्चा यहां पर करेंगे। रायबरेली, अंबेडकर नगर और श्रावस्ती की सीट पर चर्चा होगी। 11 बजे आपको बता दें कि प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे सुनील बंसल। ये दौरा आज रहेगा, जहां पर साफ तौर पर 3 सीटों को लेकर मंथन यहाँ पर किया जाएगा। बीजेपी महामंत्री सुनील बंसल का राजधानी लखनऊ का ये दौरा है। लोकसभा चुनाव को लेकर 3 सीटों पर चर्चा होगी। रायबरेली, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती सीट पर चर्चा होगी। 11 बजे प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे सुनील बंसल और इसके बाद आपको बता दें कि साफ तौर पर मंथन यहां पर इन तीनों सीटों को लेकर होता हुआ नजर आएगा। लोकसभा चुनाव सामने है और फिलहाल एक एक सीट की यहां पर अहमियत देखते हुए ये मंथन, ये तैयारी इस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। और साफ तौर पर आज बीजेपी महामंत्री सुनील बंसल राजधानी लखनऊ पहुंच रहे हैं। 3 महत्वपूर्ण सीटें जिनको लेकर यहां पर चर्चा होगी, मंथन होगा। रायबरेली जिसमें शामिल है, अंबेडकर नगर शामिल है और महत्वपूर्ण सीट के तौर पर श्रावस्ती भी शामिल है। 11 बजे प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे महामंत्री, इसके बाद यहां पर चर्चा और मंथन कार्यकर्ताओं के साथ किया जाएगा। बीजेपी महामंत्री सुनील बंसल का राजधानी लखनऊ का ये दौरा, लोकसभा चुनाव को लेकर ये दौरा है। महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ पर सीटों को लेकर मंथन और चर्चा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर करते हुए नजर आएंगे। प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे 11 बजे और फिलहाल ये चर्चा शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनिकेत तिवारी मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। अनिकेत, फिलहाल किस तरह से ये मंथन होगा तीनों सीटों को लेकर, बीजेपी महामंत्री की तरफ से क्या कुछ रह सकता है? जैसा देखिए, अगर बात की जाए लोकसभा चुनावों की, तो अब कहीं ना कहीं समय बहुत कम रह गया। यही कारण है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो 14 सीट से हारी थी लोकसभा के चुनावों में, उस पर अब मंथन करने की लगातार तैयारी कर रही है। और यही कारण है कि जो भाजपा के महामंत्री सुनील बंसल है, वो आज राजधानी लखनऊ के दौरे पर है। बात की जाए अगर इस दौरे के दौरान, तो 3 जो सीटें हैं लोकसभा की, फिर वो चाहे रायबरेली हो, अंबेडकर नगर हो या श्रावस्ती हो, इन सीटों पर जो मंथन है, इन सीटों पर जीत कैसे सुनिश्चित करनी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो जो तैयारी करनी है, जो मूल मंत्र देने हैं, तो तमाम वो चर्चा होती नजर आएगी आज की इस मीटिंग के दौरान। हालांकि ये जो समय प्रस्तावित था वो 11 बजे के समय प्रस्तावित था, कुछ देर में जो सुनील बंसल है महामंत्री बीजेपी के, वो जल्द पहुंच जाएंगे। अभिषेका, बिल्कुल अनिकेत, यानी कि साफ तौर पर 3 सीटें अंबेडकर नगर, श्रावस्ती और इसी के साथ ये महत्वपूर्ण सीटें जिनको लेकर यहाँ पर चर्चा और मंथन होगा। यानी कि एक एक सीट को लेकर यहाँ पर पार्टी के पदाधिकारी और संगठन स्तर पर जो इस समय कोशिशें हो रही हैं, उनका अंदाजा यहाँ से लग सकता है। अब बिल्कुल देखिए अभिषेका, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरह से लगातार चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो या फिर उत्तर प्रदेश का नेतृत्व हो, लगातार प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आपकी बात जब लोकसभा का चुनाव होगा, तो जो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, उन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करेगी। और लगातार जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी दावा किया जा रहा है, और उस दावे को कहीं ना कहीं खरा उतारने के लिए उसको जमीन और मूर्त रूप देने का लगातार बीजेपी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। और यही कारण है कि तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो लगातार जो बैठकों का दौर है बीजेपी में, वो देखने को मिल रहा है। फिर चाहे जिला पंचायत सदस्यों की बात हो, बूथ मैनेजमेंट की बात हो, या पन्ना प्रमुख की बात हो, या जिला सदस्य की बात हो, तो तमाम हर वर्ग को साधने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ तमाम जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनको भी मूल मंत्र दिया जा रहा है कि कैसे बूथ को और मजबूत करना है, तो तमाम अच्छी तरह से खाका तैयार करना है। उन तमाम चीजों की रूपरेखा पूरी तरह से बीजेपी की तरफ से तैयार की जा रही है खाका। और यही कारण है कि सुनील बंसल का दौरा बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जो चुनावी लोकसभा की सीटों में जो हारी थी 14 सीटें बीजेपी, उन सभी सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित करनी है, और तभी जो लगातार दावा किया जा रहा है 80 सीटों का, तभी वो दावा खड़ा उतर पाएगा। और यही कारण है कि लगातार जो 14 हारी सीटें बीजेपी ने लोकसभा में, उन पर मंथन करने का मन बनाया है और उस पर लगातार तमाम केंद्रीय नेतृत्व आकर चर्चा कर रहा है। ठीक है निकेत, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका धन्यवाद।